हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल पॉलिटिकल साइंस क्लासेस। माय सेल्फ सोनम चौहान। सो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मार्क्सवाद, यानी कि मार्क्सिज्म। तो बेसिकली सभी जानते हैं मार्क्सवाद को जो आइडियोलॉजी है उसको देने वाले कौन थे, कार्ल मार्क्स थे। सभी बच्चे जानते हैं बेसिकली, जिन्होंने कार्ल मार्क्स के बारे में पढ़ाया तो उन्होंने उनकी क्लास स्ट्रगल थ्योरी को भी पढ़ाया, उनके बाकी सारी जो थ्योरीज हैं उनको भी पढ़ा होगा। तो मार्क्सवाद क्या कहता है, किस डायरेक्शन में काम करते हैं एंड इसके टारगेट क्या हैं, इस वीडियो के माध्यम से आइए चलिए जानने की कोशिश करते हैं। बाकी वीडियो पसंद आती है तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करना, नहीं चाहिए बेल आइकन को प्रेस करना ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। और इसके अलावा आप हमें सोशल मीडिया हैंडल्स यानी कि टेलीग्राम, इंस्टाग्राम एंड जो फेसबुक पेज है वहाँ पर हमें ज्वाइन कर सकते हैं, बिकॉज ऑफ वहाँ पर छोटी छोटी अपडेट लगातार हम डालते रहते हैं। चाहे कोई भी इन्फॉर्मेशन है हम वहाँ पर स्टोरी के माध्यम से या पोस्ट के माध्यम से लगातार वहाँ पे अपडेट डालते रहते हैं। बिकॉज कभी कभी ऐसा होता है ना कि आप यूट्यूब से नोटिफिकेशन नहीं मिल पाता है, बट हाँ आपको इन मीडिया के माध्यम से, इन सोशल मीडिया के माध्यम से जो अपडेट है वो लगातार आपको मिलती रहती है। तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, जाकर के ज्वाइन कर सकते हो, फॉलो कर सकते हो। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देखिए, मार्क्सवाद का आरंभ 19वीं शताब्दी के मध्य में यानी कि 19 सेंचुरी के बीच में हुआ था। जब 19 सेंचुरी चली रही थी तो जब 19 सेंचुरी का हाफ हो गया था तो वहाँ से वो उसको स्टार्ट किया जाता है, जब मुक्त बाजार व्यवस्था पर आधारित पूंजीवादी अपने पूरे उत्कर्ष पर थे, यानी कि पूरे टॉप पर था। अगर हम बात करें ओपन मार्केट सिस्टम की तो पूंजीवाद उस समय पर टॉप पर था, और वो पूरा का पूरा मतलब होता है ना कि पूरी रेस्पेक्ट वो उस समय पर ले चुका था, सबसे टॉप पर था। सब मतलब झुक करके उनको सलाम करते थे, उनकी हर बात मानते थे। तो वो चाहे डर में माने, चाहे वो मतलब किसी और तरीके से माने, बट वहाँ पर इस तरीके का सिस्टम उन्होंने इस्टेब्लिश कर चुके थे वो, यानी कि पूरी धन संपदा, पूरी प्रॉपर्टी उनके पास थी। 99% प्रॉपर्टी उनके हाथों में थी, सामाजिक प्रतिष्ठा प्राप्त कर चुके थे वो समय पे। और नॉर्मली सी बात है, अगर किसी के पास बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टी होगी तो जो उससे कम मतलब प्रॉपर्टी के लोग हैं, जिनके पास बहुत ही कम प्रॉपर्टी है, जो बेचारे गरीब है, वो एक सम्मान की दृष्टि से उनको देखेंगे। वो मतलब अंदर ही अंदर गाली दे सकते हैं बट उनके मुंह पे कुछ नहीं बोलेंगे, उनके फेस पर कुछ नहीं बोलेंगे, वो हाथ जुड़ के खड़े रहेंगे। बिकॉज ऑफ वो क्या होते हैं, वो डिपेंडेंट क्लास में आते हैं और वो उनके ऊपर पूरे डिपेंड होते हैं। आप किसी फैक्ट्री में काम करते हो, आप किसी कंपनी में काम करते हो, आप बॉस के या जो उस फैक्ट्री या जो उस कंपनी का को फाउंडर होते हैं, जो सीईओ होते हैं, उन लोगों के नीचे आप काम करते हैं, डिपेंडेंट हो आप उनके ऊपर, है ना। आप उससे बदतमीजी से बात नहीं कर सकते, आपने की तो आपका आपको क्या मिलेगा, आपको सबको पता है कि नौकरी आपकी छूट सकती है, ठीक है। उसके अलावा एक सस्पेंशन लेटर आपके हाथ में होगा, कहीं और आपको नौकरी नहीं मिलेगी। तो ये कहीं ना कहीं डर होता है, तो मार्क्सवाद इस डर को हटाना चाहता है। नया पूंजीपति वर्ग क्या था, उस समय पर टॉप पर था, ठीक है। तो परंतु नए कामगार वर्ग की दशा उस समय बहुत ज़्यादा ख़राब थी। नॉर्मली सी बात है, अगर एक वर्ग बहुत टॉप पर चला जाएगा तो नॉर्मली दूसरा, जो अगर हम बात करते हैं वर्किंग क्लास की, तो उसकी तो दशा वैसे भी ख़राब होनी ही होनी है। उस समय कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगल्स ने पूरी हिस्ट्री को एनालिसिस करके यह विचार सामने रखा कि निजी संपत्ति यानी कि जो प्राइवेट प्रॉपर्टी है उसके स्वामित्व के आधार पर समाज हमेशा से धनवान और निर्धन वर्गों में बटा रहा है। यानी कि एक तो टॉप पर बहुत सारे अमीर आदमी होंगे और एक साइड होंगे बहुत ज़्यादा गरीब आदमी, तो हमेशा से वो इसी वर्गों में बटा रहा है। तो धनवान वर्ग हमेशा डोमिनेंट क्लासेस रहा है, प्रभुत्वशाली वर्ग रहा है, हमेशा वो डोमिनेट करता रहा है, और जो निर्धन वर्ग है वो पराधीन वर्ग है, इनके डिपेंडेंट क्लास पर रहा है। तो इन दोनों के हित जो है वो हमेशा विरोधी ही रहे हैं। आधुनिक औद्योगिक युग में राजनीतिक दृष्टि से सब मनुष्य को स्वतंत्रता का दावा तो किया जाता है कि आपको इंडिपेंडेंसी मिलेगी, आपको राइट टू लिबर्टी दिया जाएगा, आप अपने तरीके से काम कर सकते हो। लेकिन सामंतवाद के पतन के बाद आर्थिक दृष्टि से देखें तो समाज फिर से पूंजीपति वर्ग यानी कि जो कैपिटलिस्टिक जो क्लासेस हैं और वर्किंग क्लासेस में फिर से वो बट गया। तो राज्य की सारी जो शक्ति है वो पूंजीपति वर्ग के हाथों में आ गई। अब इसमें कामगार वर्ग यानी कि जो वर्किंग क्लास है उसकी स्वतंत्रता निरर्थक हो गई, यानी कि वो स्वतंत्र नहीं है। एक वर्किंग क्लास का जो स्ट्रगल है वो बहुत ज़्यादा हैवी हो चुका है उस समय पर। तो उन्होंने तर्क दिया कि जब तक समाज आर्थिक दृष्टि से परस्पर विरोधी वर्गों में बटा रहेगा, परस्पर ये जो ना कैपिटलिस्ट और जो वर्किंग क्लास है, जब तक ये इसमें बटा रहेगा तब तक कोई भी पॉलिटिकल सिस्टम नॉर्मली इंसानों को या कामगार वर्ग को पराधीन की बेड़ू से नहीं छुड़ा सकता। यानी कि वो हमेशा डिपेंडेंट क्लासेस में ही हमेशा वो बने रहेंगे। तो मार्क्सवाद ने यहाँ पे वर्ग संघर्ष यानी क्लास स्ट्रगल की अनिवार्यता पर बल दिया है और यह विचार रखा है कि इस संघर्ष में कामगार वर्ग यानी कि जो वर्किंग क्लास है उसको एक संगठित होकर, एक ऑर्गेनाइज्ड होकर के पूंजीपति जो पूंजीवादी व्यवस्था है उसको अंत करना होगा। और उत्पादन के प्रमुख साधन है, मेजर मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है, उस पर सामाजिक स्वामित्व की सोशल ऑनरशिप को एस्टैब्लिश करके एक सोशलिज्म को लाना होगा ताकि अंत तक एक वर्ग विहीन समाज का उदय हो सके।
सो गाइस कैसी लगी इन्फॉर्मेशन पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल पर नए तो सब्सक्राइब जरूर करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।